सायाहपुर में भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर किसानों की मदद न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां योगी आदित्यनाथ की पूजा करने वाले किसान को न्याय दिलवाने के लिए भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने कहा है कि पीड़ित किसान को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाएंगे। साथ ही किसान यूनियन ने भी पीड़ित किसान के साथ लड़ाई लड़ने का दावा ठोक दिया है। दरअसल थाना रौजा क्षेत्र के हथौड़ा गांव में वसीम अंसारी के खेत को जाने वाले रास्ते पर एक फैक्ट्री मालिक ने दीवार खड़ी कर दी थी। कार्रवाई न होने पर मुस्लिम युवक वसीम अंसारी ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तस्वीर अपने खेत में रखकर उनकी पूजा अर्चना की थी। पीड़ित किसान की मदद के लिए अब भाजपा विधायक रोशनलाल वर्मा ने भी हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने जिले के बड़े अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जिले के कई अफसर गरीब और मजदूर किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अब वह पीड़ित किसान वसीम अंसारी को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। यहां वह किसान की मुलाकात सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवाएंगे। वहीं किसान यूनियन ने भी किसान के समर्थन में लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल जिला प्रशासन मामले में जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहा है। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी जो हमारे मुखिया हैं प्रदेश के, वो सख्त से सख्त निर्देश देते हैं कि चाहे किसान हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, आपने देखा होगा कि इनके साथ न्याय हो। लेकिन हमारे जनपद के कुछ अधिकारी अनदेखी कर रहे हैं और एक किसान की रास्ता फैक्ट्री वालों ने बंद की है। मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसने आरती उतारी। आरती उतारने के बाद भी उसने कहा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय दिलाएंगे। उसने आरती उतारी, उसके बावजूद भी हमारे अधिकारियों ने कुछ ने संज्ञान नहीं लिया। अब हम अगर वो हमसे मिलते हैं, किसान हमसे व्यक्तिगत नहीं मिले, अगर वो हमसे मिलते हैं, हमें प्रार्थना पत्र देते हैं, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी के सामने उनका प्रकरण रखेंगे।